हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2022। सो अभी रिसेंटली एमबीए सीईटी 2021 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। लास्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो प्रोसेस थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ था एंड अभी अभी उनके कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों का पूरा तो एक सेमेस्टर गया समझो, लेकिन अभी जो गई रात गई बात गई, राइट। अभी हमें उस पर कुछ बात नहीं करनी। सो वी विल बी फोकसिंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग मेनली अबाउट एमबीए सीईटी 2022 एज दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। सो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अभी रिसेंटली कि सर ये सर का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट्स के लिए एग्जाम डेट से लेके जो स्पेकुलेशंस हैं वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बताऊंगा, अभी वो आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है उसको, राइट। लेकिन प्रिपरेशन के लिए कैसे मोटिवेटेड रहना है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। सो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी सितंबर में, राइट। सितंबर 2020, सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे पुणे में अभी। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा हैंड्स भी फिंगर्स भी पूरे शिवर कर रहे हैं, थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू रहेगा। और ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहता है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है डीटी, एग्जाम गवर्निंग बॉडी बोल सकते हैं इसको डीटी, वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑप्शन करेगा, टेंडर निकालेगा, राइट। सबसे पहले टेंडर निकालेगा कि हाँ भाई ये एग्जाम एमबीए ने इसे इतने सारे सीटीज के एग्जाम हमें कंडक्ट करने हैं, तो ये आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है चलो आओ। इसका इसका टाइम रहता है अराउंड 15 to 30 days गोइंग बाय द प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम विंडो। फिर टेंडर ऑफर्स आएंगे एंड वो टेंडर जब फाइनलाइज होता है तब तक रहता है, लिखता है एक्स्ट्रा 15 to 30 days। टेंडर फाइनल हो जाता है कि हाँ ये एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा, ये बॉडी एग्जाम कंडक्ट करेगी, आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल से वो आपको बता देगी कि हाँ ये बॉडी है, ये एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो इसके हिसाब से एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद होती है एग्जाम की डेट फिक्स, उसके बाद फॉर्म्स निकलेंगे। लास्ट ईयर का थोड़ा उल्टा हुआ था, यूजुअली ऐसा होता है कि हाँ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फाइनल हो चुकी है तो साइमल्टेनियसली चलता है, तो फॉर्म्स निकलते हैं उसके लिए रहता है 7 दिन का विंडो, बट ये मैं मिनिमम डेज पकड़ के चल रहा हूँ। उसके बाद आपका आएगा हॉल टिकट एंड उसके बाद रहेगा एग्जाम। तो यूजुअली फॉर्म्स निकलने के बाद 15 से 20 दिन में हम लोग 21 डेज का विंडो पकड़ के चलेंगे, 3 वीक का एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 2 = 8, मिनिमम 8 वीक्स आर डेफिनेटली देयर, मिनिमम 8 वीक्स आर डेफिनेटली देयर व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग। बट गोइंग बाय द सिनेरियो ऑफ द कोविड केसेस एंड ऑल, सो हम लोग तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब्रुअरी के पहले तो ये सब प्रोसेस स्टार्ट भी होगा, राइट। तो आप सेफली पकड़ के चलो कि 30 अप्रैल, सेफली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 30 अप्रैल के बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके पहले तो होने से रहा। अभी 1 मई को भी हो सकता है बट 30 अप्रैल हम लोग सेफली पकड़ के चल सकते हैं। सो इन द मंथ ऑफ मई द एग्जाम माइट बी कंडक्टेड, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टडी प्लान बनाएंगे, हम लोग थोड़ा सेफ खेलेंगे दैट एग्जाम माइट बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि कभी भी किसी का दिमाग घूम जाएगा। ये तो मैंने सेफली लॉजिकल सीक्वेंस आपको बताया बट कुछ भी हो सकता है, राइट, वी कैन नॉट बिलीव ऑन ड्यूटी। सो गोइंग बाय द पेपर पैटर्न ऑफ 2021, वी कैन नॉट कंप्लीटली बिलीव ऑन ड्यूटी। सो अप्रैल में अगर एग्जाम होता है तो अभी से हमारे पास है जनवरी, फेब्रुवरी, जनवरी का आधा महीना, फेब्रुवरी मार्च एंड अप्रैल भी आधा महीना पकड़ लो। सो फेब्रुवरी मार्च ऑलमोस्ट 3 months, दैट इज मिनिमम 100 days यू डेफिनेटली हैव टू प्रिपेयर, तो उसके हिसाब से हम लोग आज स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। बिफोर वी मूव अवेड विद द स्टडी प्लान, आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद आर न्यू कोर्स विच वी आर स्टार्टिंग। सो एमबीए सीईटी ऑनलाइन का ये कोर्स है which we are offering at 8999. Initially, that course was being offered at 10999 till the month of November. So, जो बच्चों को अभी MBA CET के लिए prepare करना है, तो हम लोग नए batches start करने वाले हैं, उनके लिए 8999 is the fees. उसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव सेशंस रहेंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशंस, जो सेशंस जितने भी सेशंस लाइव कंडक्ट किए जाएंगे उसका सबका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ऑब्वियसली बुक्स स्टडी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10,000 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस एमबीए सीईटी के मॉक्स मिलेंगे आपको एंड द मेंटर, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये तो सब लोग दे देंगे आपको। तो
मेंटेनिंग के लिए हम लोग फेमस है, जिसके वजह से हमारे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट बाय द वे, रिजल्ट का एक सेपरेट पेज है हमारे वेबसाइट पे, आप कंप्लीट जाके कंप्लीट रिजल्ट जाके चेक कर सकते हो। तो जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक वो इसी की वजह से आए, बिकॉज ये तो सब लोग देंगे, लेकिन आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, पढ़ाई प्रिपरेशन में कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एग्जाम सॉल्व करते टाइम, मॉक टेस्ट देते टाइम कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो अगर बताना है तो वो वहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है। ठीक है, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स व्हिच आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम। सो जब भी आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, आप कैट का करो, एमबीए का, एमबीए सीईटी का करो, स्नैप का करो, या एनपैट एनमैट का करो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले पोप अभी आप लेट अस से यू आर अ स्विमर, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, लेट अस से यू आर अ स्विमर, तो आपने अभी तक स्विमिंग करी है स्विमिंग पूल में, राइट? तो इसका मतलब आप गोवा के बीच पे जाओगे तो आप स्विमिंग कर लेते हो, ठीक है, थोड़ी फार स्विमिंग वहां पे भी कर लोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं पे भी बीच पे चले जाओगे, कहीं पे भी पानी दिख गया तो उसमें कुछ जानो कुछ जाओगे और स्विमिंग कर लोगे, नहीं ना, आप पहले क्या करते हो, उसमें पैर डालते हो, थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हो, 5 फीट 10 फीट तक जाओगे अंदर, ठीक है, मैं डीप नहीं बोल रहा हूँ, अंदर इन डिस्टेंस वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इट इज सेफ, द करंट द वाटर करंट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, तभी जाके आप उसमें स्विमिंग करने की हिम्मत कर सकते हो, तो वही आपको करना है, राइट? आपका है, अभी तक 10th 12th में ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे स्कोर है, इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज दोज वर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट एमसीक्यू वाले एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आ जाए, तो इसके पहले क्या करना है, एक बेंचमार्क मॉक देखे देखो, कोई भी फ्री में बहुत सारी मॉक्स अवेलेबल है गूगल पे, उसमें से एक कहीं पे भी पैसा मत खर्च करना, एक बेंचमार्क मॉक देखे देखो, या तो फिर परचेस करना है तो कोई भी एक मॉक टेस्ट परचेस कर लो, ठीक है, हमारा मॉक टेस्ट है एमबीए सीटी का 1000 में अवेलेबल, तो आप ले सकते हो। आफ्टर दैट एक मॉक टेस्ट दिया आपने, अभी सब जो टॉपिक्स हैं ऑल यू आर फ्रेंडली विद ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक्स करेक्ट, क्यू ए के सब आपने 10th तक पढ़ा हुआ है वही आता है, एलआर में तो कुछ कोई सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल लॉजिक्स रहता है वो आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन क्यू एंड एल आर एंड वर्बल, जो आपने अभी तक पढ़ा है वर्बल में वही आता है, सब आपने पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा फार आइडिया आ जाएगा जब आप शॉर्ट एनालिसिस करोगे कि आपका स्ट्रेंथ किधर है, वीकनेस किधर है, अपॉर्चुनिटी एरिया किधर है, थ्रेट कॉन्सिक्वेंस है। तो ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इनिशियली, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है, फिर धीरे धीरे जब आप स्टडी करोगे, बहुत सारे वीडियोस देखोगे, अच्छा खासा गूगल पे एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक को इतना वेटेज है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, ठीक है, वी विल डेफिनेटली गिव यू द लिस्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग वीकली प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले फोर्टनाइटली प्लान रहेगा, उसके बाद वीकली, तो फोर्टनाइटली प्लान हमारा उसी तरीके से रहेगा, जो टॉपिक को सबसे ज्यादा वेटेज है पहले हम लोग वो पढ़ने को बोलेंगे, ठीक है, एंड वही हम लोग हमारे क्लास में भी पढ़ाएंगे। So, this is the first step before you appear for, before you start your preparation for any exam. ये हो गया। अभी SWOT analysis किस तरीके से करोगे? Strength and weakness, जो मैंने सबसे important बोले हैं, पहले ये दो topic आपको, ये दो चीजें आपको करनी है कि हाँ यार, strength मतलब मोटा मोटी, topic wise detail में मत जाना, क्योंकि वो list मैं आपको detail में दूंगा, तो at least subject wise तो करो कि हाँ यार मेरा maths या quant strong है, ठीक है, मेरा वर्बल थोड़ा स्ट्रांग है, यस, मेरा एल आर एंड डी आर थोड़ा वीक है, ये किसी किसी सब्जेक्टिव रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, ठीक है, ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ आपने प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है एमबीए सीईटी का, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द प्लान आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रीफ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। वीए रहता है 25%, LR प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको हम लोग विजुअल रीजनिंग बोलते हैं वो रहता है 50%, एंड QA, DI, DS, डेटा कंपैरिजन, ये सब रहता है 25%। अभी इसमें सब टॉपिक्स है, करेक्ट, टॉपिक्स है, आप इसको सब टॉपिक्स में भी डिवाइड कर सकते हो, एंड इसको वन टॉपिक पर डे के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो,
मतलब आज आपने अरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क उठाया तो आज आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि आज मैंने टाइम एंड वर्क किया फिर भी उसमें दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट एक एग्जाम के लेवल के लिए आप प्रिपरेशन 1 या 2 दिन में खत्म कर सकते हो। सेम गोज विथ एलआर। आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट होता है तो आप इनपुट आउटपुट का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो 1 दिन में, बट दैट इज नॉट द केस विथ वर्बल। विल हैव टू टेक द डेली डोज ऑफ वर्बल, उसके सिवाय वर्बल आपका प्रिपेयर होगा ही नहीं, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। और अगर आपको जेबीआई में टारगेट करना है तो दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट, क्योंकि आप 150 में से 100 अभी आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी कट ऑफ, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको 110 120 130 एंड 140 ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो 140 प्लस टू बी ऑन द सेफर साइड, कभी भी आप विच ओवर कैटेगरी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर आप क्लियर करने का एम रखोगे तो ऑब्वियसली अपना अपना रिस्पेक्टिव कैटेगरी तो हो ही जाएगा। सो 140 प्लस का अगर आपको टारगेट करना है तो 150 में से वो स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। इवन इफ यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी फिर भी सेफ टू बी ऑन द सेफर साइड, सो सो में पूरा का पूरा मैदान ही यूज करो खेलने के लिए, आधे मैदान पे मत खेलो। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर वीक एट वर्बल, जस्ट स्टिक टू द चैनल विद अस throughout your preparation of MBA, throughout the journey of your MBA CET preparation, we will give you very, very important doses, very, very important points to prepare your verbal on weekly basis. लेकिन सबसे पहले अभी के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आप daily newspaper editorial पढ़ना चालू करो and धीरे धीरे अपना vocab बढ़ाना चालू करो। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो वर्बल किस तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले तो वर्बल का वेटेज बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 50 मार्क्स का आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें से 24 से 25 तो आरसी आते हैं। आरसी इज नथिंग बट एन ओपन बुक टेस्ट। मैं मेरे क्लास में हमेशा बोलते रहता हूँ कि आरसी इज नथिंग बट एन ओपन बुक टेस्ट, बट इट इज नॉट दैट इजी। राइट, होता है ओपन बुक टेस्ट होता है, लेकिन उसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। करेक्ट, इसके अंडर टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स अगर मैं बोलूं, सबसे पहला आता है वोकैब, सेकंड आता है ग्रामर, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अपने कुछ यूनिक पॉइंट्स लेके आता है आरसी। उसके अलावा पैरा बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे पैरा जंबल्स हो गया, देन समरी हो गया एंड सो ऑन, ये मेजर सेक्शंस हैं। राइट, देखो आरसी वोकैब, तो मार्क्स वर्सेस टाइम अगर आप कंसिडर करोगे तो आरसी के अराउंड 24 टू 25 क्वेश्चन आते हैं, विच विल टेक अराउंड, मेरे हिसाब से अराउंड 25 मिनट्स। एंड वोकैब के ओवरऑल, फिर इन सब टाइप के क्वेश्चन मिला के, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेक्स्ट हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम एंड सो ऑन टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, सब मिला के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, विच विल नॉट कंज्यूम मोर देन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, एंड ओवरऑल भी आप देखोगे तो आपके पास 150 मिनट होते हैं एग्जाम सॉल्व करने के लिए, 200 क्वेश्चंस, तो इसमें से 50 क्वेश्चन के लिए आप 1/4 भी डिवाइड करते हो तो अराउंड 35 मिनट्स आते हैं, एंड विच वीज वर्बल विल नॉट कंज्यूम मोर देन 30-35 मिनट्स ऑफ योर्स। लोग 20 मिनट देते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले 25 दो, धीरे धीरे 30 पे जाएंगे, धीरे धीरे 35 पे जाएंगे, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो नहीं भी गए 35 तो भी चलेगा, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन इनिशियली फॉर द फर्स्ट वीक और फर्स्ट 2 वीक्स टच ओनली द बेसिक, फर्स्ट वीक, 2 वीक भी नहीं, फर्स्ट वीक के लिए टच ओनली बेसिक ऑफ क्वांट। अभी क्वांट के एक्चुअल डायरेक्ट क्वांट के क्वेश्चन आते हैं आपको 15, जो मैंने 50 बोले ना, उसमें से 200 में से 50 क्वेश्चन क्वांट प्लस डीआई प्लस डेटा सफिशियंसी प्लस डेटा कंपैरिजन, इनके सब क्या आते हैं, तो इसमें 5 एक आते हैं, इसमें 5 एक आते हैं, इसमें 15 के अराउंड आते हैं एंड इसमें 22 से 25 आते हैं। ये थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है, कभी 15 का 17-18 मैं पकड़ के मत चलना, लेकिन इसके अराउंड आता है। तो आप बोलोगे कि क्वांट में सर अरिथमेटिक पढ़ना है, मुझे अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, नंबर्स पढ़ना है, मॉडर्न मैथ पढ़ना है, और क्वेश्चन आएंगे 15,
तो टॉपिक भी 25-30 हो जाते हैं। हाँ जरूर, लेकिन ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आता है, एक या दो। अरिथमेटिक के 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के 3-2-3 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स के 1-2 आते हैं, मॉडर्न मैथमेटिक्स के आते हैं, जैसे मिला के 15 तक हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पूरा इग्नोर कर दो, बिकॉज इसी का तो एप्लीकेशन ये सब में है, राइट। ये शो आप तुम्हें कैसा करना है, करेक्ट, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो पूरे 50 मार्क का जिम्मा अगर ये क्वांट उठाने वाला है तो मैं इसको टाइम दूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, इमोशनल होके नहीं, या फिर क्योंकि आपको पसंद है, या फिर क्योंकि आपको वर्बल पसंद नहीं है इसलिए आप क्वांट करते हो, ये भी गलत तरीका है। असाम रुखपणा करू नका, ठीक है। तो क्या कराया जाए, स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ नंबर्स एंड अरिथमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक सीख सकते हो, जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूस वीडियोस बढ़ाते रहते हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स बनाते रहते हैं। एंड अरिथमेटिक के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एक आध दूसरा डीआई का सेट या 2-3 डीआई के सेट इसके ऊपर, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व हो जाता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी एवरेज मिक्सचर्स, एंड एसआईसी के ऊपर भी एक आधा सेट आ जाता है, लेकिन मेजरली ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके मेजोरिटी डीआई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ नंबर्स एंड अरिथमेटिक एंड ट्राई टू अवॉइड ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ टिल द 31st of January एटलीस्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा डीप प्रिपरेशन लगता है, ठीक है ना। इनिशियली अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि इसमें अगर आपको क्वांट अगर थोड़ा वीक है ऑलरेडी तो फिर क्यों डर जाना है आपने, पहले मतलब बीते में कचरा बीन दो, राइट। सो ऐसे चीजों पर हाथ ही मत डालो जिससे आपको डर लगता है, ठीक है, यानी जिसका आपको फोबिया है, डर लगता है नहीं बोलूंगा मैं, फोबिया है। तो जिससे आप कंफर्ट हो पहले उसको उसके साथ स्टार्ट करो, ठीक है। प्रायोरिटाइज एलआर, यस यू नीड टू प्रायोरिटाइज एलआर, बट आई विल से डू नॉट स्टार्ट विद एनी टॉपिक। आपके मन में आ गया, आप उसके साथ वो टॉपिक के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ ये मत करो, एंड क्यों मैं इसके सेकंड बात का पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज क्या होता है, आपने वीडियोस देखे हुए रहते हैं, आपने कहीं पे दोस्तों से सुना हुआ रहता है, आपके पास आपके माइंड में होते हैं 5-7 टॉपिक के नाम, फिर आप मार्केट में जाते हो या तो फिर ऑनलाइन या किसी से या फिर हमारे पास से एक बुक खरीद लोगे, उसमें फिर आप 5-6 टॉपिक पढ़ देखोगे। अभी आपने जिस फ्रेंड से सुना, वो भी तो एक ह्यूमन बींग है, उसको वो टॉपिक शायद इजी लगा रहेगा, इसलिए क्योंकि आपसे जो बंदी सब जो बंदी है जो बंदा सबसे जल्दी पढ़ जाता है, आप उसी को सबसे जल्दी ध्यान में रखते हो, है ना, मतलब आप उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करते हो, तो ऑब्वियसली आप वो ह्यूमन बीइंग को, वो बंदे को एक टॉपिक इजी रहा लगा रहेगा, इसलिए उसने उसके माइंड में वो टॉपिक फिट रहा, उसने आपको वो बता दिया। लेकिन क्या ये टॉपिक का वेटेज है उतना, ये भी तो मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्पेंड एटलीस्ट 3 to 4 days और एटलीस्ट 3 to 4 hours टू एनालाइज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एलआर, क्योंकि इसमें नॉर्मल कन्वेंशनल एलआर में अराउंड 20 से 25 टॉपिक होते हैं, जिसमें से 5 से 7 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पजल्स, मैं कन्वेंशनल एलआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अरेंजमेंट छोड़ के हैं, लिनियर, सर्कुलर, बॉक्स, स्क्वायर, मैट्रिक्स, वो छोड़ के इसमें आते हैं इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड सो ऑन। तो कुछ 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये टॉपिक का लिस्ट जब आपके पास बनेगा, जब आप हाईलाइट कर लोगे, तो इवन दो दीज टॉपिक्स आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल हैव टू प्रिपेयर देम, ठीक है, यू विल हैव टू प्रिपेयर देम, रिमेंबर दिस। Prioritize the topics on the basis of frequency, marks, and not difficulty. Because even if the topic is out of your comfort zone, but that topic carries a heavy weightage in an exam, it is better to complete that topic in the first phase of your preparation. इससे क्या होगा? भले ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ज्यादा वेटेज वाला है, लेकिन प्लस वेट वाला अगर है, तो आपके जब मॉक्स आप देने स्टार्ट करोगे, तो आपका डिफिकल्ट टॉपिक, जो डिफिकल्ट 4-5 टॉपिक्स है जिसका वेटेज ज्यादा है, वो आपके ऑलरेडी क्लियर रहेंगे। इससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा इनिशियली, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर जो इजी टॉपिक्स है वो तो आपके पहले ही कम्फर्ट जोन में, फिर आप उसको पहले ना भले ही लास्ट 15-20 दिन में कम्प्लीट करो, कौन आपको स्कोर करने से रोकने वाला, क्योंकि वो पहले ही आता है ना आपको,
तो अभी तक जब एग्जाम का डेट नहीं पता है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा विंडो है मेरे पास, तो मैं डिफिकल्ट टॉपिक को पहले हाथ लगाऊंगा। ये एक ब्रेव स्टूडेंट की निशानी है। ठीक है, आई ट्राई टू फिनिश ऑन टॉपिक, बड़े बेसिक्स है। अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं हु आर, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हु आर नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का, अभी कौन लोग बंदा या कौन सा इंजीनियर बंदे को भी फाइनल ईयर होने के बाद डेरिवेशन इंटीग्रेशन मैट्रिसेस एंड लिमिट्स वगैरह याद रहेगा यार, जैसे 2020 में पूछा गया। तो सो डू नॉट पैनिक, माय फर्स्ट एडवाइस इज, क्योंकि दैट वाज एन, इट वाज एन एबरेशन, एक बार हुआ है यार, एक बार हुआ है, इतने सालों से एमबीए सीट का एग्जाम हुआ है, हो रहा है, एक बार ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, हर बार पूछ जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और सब उसके पहले हमें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है ये भी तो पता चल जाएगा, अगर आईबीपीएस ने या थोड़े सेंसिबल बॉडी ने एग्जाम कंडक्ट किया तो फिर नहीं पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे 2021 का एक इनएक्सपीरियंस बॉडी बोल सकता हूँ उसको, उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट किया था तो पूछा गया था, ठीक, उनको नहीं था एक्सपीरियंस, शायद उनको भी एक्सपीरियंस आ गया रहेगा अभी, करेक्ट, लुकिंग एट द बैकलैश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल, माइट नॉट हैपन अगेन, बट आई एम नॉट द वन हु कैन टेक द गारंटी, सो स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, प्रिपेयर दोज टॉपिक्स एट द फैग एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब आपका एग्जाम को 15 दिन है, एंड जब आपको जो टॉपिक्स बहुत बार, अभी 15 साल से एग्जाम होते आ रही है, जिसमें से 14 साल जो टॉपिक आए वो आप करोगे पहले, या 1 साल जो गलती से टॉपिक आ गए वो करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस करोगे ना, तो जब आपका पहले ये बड़ा वाला प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा तब जाके आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, 2-3 दिन इसको दे देना, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो डाल देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो वीकली प्लानिंग टिल 31 जनवरी किस तरीके से करना है, मैं तो बोलूंगा स्टार्ट विद द बेंचमार्क मॉक, उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेंथ स्ट्रांग एंड वीक जोन प्लान कर लो, एंड स्टडी ओनली फॉर द 5 डेज अ वीक, फिर सैटरडेज को पूरा रिवीजन करो, एंड संडेज को, अल्टरनेट संडेज को एक एक मॉक देना कंटिन्यू करो, कम से कम 22 to 25 to 30 मॉक्स रिकमेंडेड रहते हैं एमबीए सीईटी के लिए, तो अभी से एवरी वीक या टू टू मॉक्स अ वीक देने से, देने में कोई मतलब नहीं है। लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे इतने सारे थे जिन्होंने मार्केट में जितने अवेलेबल मॉक सीरीज है सबके खरीद के दे के भी हो रख चुके थे, करेक्ट, उनके सबके मॉक दे के हो चुके थे, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा था, पोस्टपोन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए ये सब अवॉइड करना है, इसलिए आराम से, सिर्फ मॉक देने में क्या मतलब है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो पहले पढ़ाई करो आराम से, 10-12 टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद एक मॉक दो, फिर से 10-12 टॉपिक प्रिपेयर करो, फिर एक मॉक दो, वीकली प्लानिंग शेड्यूल तो मैं डालने ही वाला हूँ, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना कभी, ठीक है, एंड नो टारगेट सेटिंग फॉर द फर्स्ट 2-3 मॉक्स, पहले आप पानी कितना डीप है ये तो चेक कर लो, है ना, किस तरीके से, कौन से मॉक्स आप दे रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, ये तो चेक कर लो, आपका प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है, कि डिफिकल्ट टॉपिक सच में आपसे हो रहे हैं या नहीं, आपने सच में डिफिकल्ट टॉपिक ईमानदारी से कंप्लीट किए या नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, पहले ही मॉक में नहीं भाई मेरे को 140 स्कोर करना है, जय माता दी, ऐसे थोड़ी होता है, बी रियलिस्टिक, तो कुछ भी टारगेट मत सेट करो, एक रेंज आपको पता चल जाएगा पहले 2-3 मॉक में, कि हाँ भाई मेरा अराउंड 60s में आ रहा है, मेरा अराउंड 50s में आ रहा है, 70s में आ रहा है, किसी का अराउंड 80s में आएगा, जिन लोगों का कैट में अच्छा स्कोर है, अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है, उनका इनिशियली 100 के प्लस आएगा, तो कंटिन्यूसली 2-3 मॉक में जो आपका रेंज आएगा वो आप पकड़ के चल सकते हो, एंड नेक्स्ट मॉक में, फोर्थ मॉक में, पहले 2-3 मॉक में अगर आपका लेटेस्ट से अराउंड 55 to 65 अगर आ रहा है, तो मैं अराउंड 60 एवरेज पकड़ के चल सकता हूँ, एंड उसके अगले मॉक में मैं +5 का टारगेट रख के चलूंगा, कि हाँ भाई अगले मॉक में मुझे 65 के ऊपर तो मिलना ही चाहिए, उसके अगले मॉक में मुझे 70 के ऊपर मिलना ही चाहिए, मतलब +5 जो भी अभी आपका XYZ स्कोर आएगा, ठीक है, लेकिन पहले 2-3 मॉक के लिए 31 जनवरी तक मत रखो, इतना ज्यादा खुद को प्रेशराइज मत करो, लेकिन एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो, बस एक डिसिप्लिन में पढ़ाई स्टार्ट करने की कोशिश करो, दैट विल बी मोर लाइक, ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड गाइस, वेट फॉर द, स्टे ट्यून्ड फॉर द वीकली स्टडी प्लान, फोर्टनाइटली स्टडी प्लान, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एमबीए सीईटी क्रैश कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, देन डू कॉन्टेक्ट अस। Thank you very much, guys. Good stuff.